हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त श्री एस अम्बी प्रभाकर, और माफ़ी चाहूँगा, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। ये वीडियो कुछ लोगों को आंसर करने के लिए, जो ये बार बार पूछ रहे हैं मेरे से कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ इतनी बिजी है, फिर अचानक से ये यूट्यूब का भूत कहाँ से सवार हुआ। तो मेरे को बता दूँ, मुझे नॉलेज शेयरिंग का जो भूत है वो नया नहीं सवार हुआ। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, उन्हें पता होगा कि जब मैं सीए फाइनल में था 2011 में, 2010-11 में हमने एक पेज बनाया था सीए क्लब के नाम से, जिसके ऊपर हमने जितने भी नोट्स खुद के लिए बनाए थे अपने सीए फाइनल के एग्जाम के लिए, मैं और मेरा एक और दोस्त था कुंदन, हमने जितने भी नोट्स खुद के लिए बनाए थे, सारे नोट्स हमने पब्लिकली सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए। और उस टाइम पे ही हमारे पास ऑलमोस्ट, उस टाइम बहुत सारे लोग फेसबुक यूज नहीं करते थे, तो हमारे पास 70,000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे विद इन 2 ईयर्स ऑफ टाइम, इसके पहले कि हम सीए पास कर गए। सीए पास होने के बाद कोर्स प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम भूलते चले गए और चीज़ें पीछे छूटती चली गई। वो रिसोर्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं वो पैसन अंदर दबा रह गया। अब जाके जबकि थोड़ी सी फुर्सत मिली है लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने अचानक से 2-4 वीडियोज देखे। ऐसे ही शौक है यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहने का, तो एक दो लोगों की वीडियोज ने काफ़ी प्रभावित किया मुझे। मैं उनमें से एक की आज बात करूंगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, और जिस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी देखता हूँ उस बंदे के अंदर। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों से मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ आज खड़ा हूँ, बहुत मुश्किलों से वो बंदा भी पहुँचा है वहाँ जहाँ आज वो खड़ा है। कोर्स बहुत ऊपर है अभी, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे की जो कि अपना कॉलेज तक कम्प्लीट नहीं कर पाया। किरोलीमल कॉलेज से बीकॉम कर रहा था, कॉलेज में पास कर पाया, उसके बाद उसने मॉडलिंग ट्राई किया बॉम्बे जाके, उसमें भी कुछ खास कर नहीं पाया वो फिर। लेकिन उसके अंदर एक पैसन था फोटोग्राफी का, तो उसने उस पैसन को छोड़ा नहीं। उसी पैसन की वजह से वो बंदा मॉडलिंग में गया, उसी पैसन को उसने आगे कंटिन्यू किया। मॉडलिंग में फेल होने के बाद भी, वापिस आने के बाद भी, उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया मॉडलिंग का, एंड ही स्टार्टेड सेलिंग हिज पिक्चर्स ऑनलाइन। करते करते उसने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, खुद की फोटोज खींच के फ्रीलांसिंग में रेंट पे स्टूडियोज लेके, उन फोटोज को कलेक्ट करके उनका एक पोर्टल बना के डिजिटल वे से उनको सेल करने की कोशिश करी। आज की डेट में वो कंपनी जो उस बंदे की है, जो ऑन करता है, विच हैज स्टार्टेड विद अ सिंगल पर्सन कंपनी, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन इमेज सेलिंग प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड। तो ऐसा इमेज बाजार के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगी वो वेबसाइट, जहाँ पे आज की डेट में मैं उसके सक्सेस की बात करूँ, 14 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उसके, 1.5 करोड़। और मजे की बात क्या है कि अभी तक उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, जो ये साबित करता है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, कभी कभी पैसन जो है पैसे से बहुत ऊपर जाती है। अगर वो आज की डेट में सिर्फ चैनल मोनेटाइज कर दे, तो आई एम डैम श्योर घर बैठे करोड़ों की इनकम आने वाली है साल में, बट नहीं किया। एंड व्हाट ही इज डूइंग इन हिज फ्री टाइम इज एवरी डे ही इज मेंटरिंग पीपल, ही इज हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर ड्रीम, क्लैरिफाइंग देयर डाउट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू लॉट ऑफ सेमिनार्स। एंड दिस इज समथिंग विच हैज टच्ड माई हार्ट व्हेन आई रेड अबाउट इट। मैं संदीप माहेश्वरी की बात कर रहा हूँ, अब तक बहुत सारे लोग ऑलरेडी जान गए होंगे जो फॉलो करते हैं यूट्यूबर्स को। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स इन इंडिया एंड ओनली एट द एज ऑफ 40। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बहुत कठिन चीज नहीं है, आपको सिर्फ अपने पैशन को जिंदा रखना है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज मोटिवेटेड मी अगेन टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन लाइफ एंड स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल, कोलेबरेट विद सो मेनी पीपल, यू नो आई स्टार्टेड विद ओनली अ फ्यू, अभी इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मुझे अभी से लगने लगा है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ प्रोफेशन की, जितनी भी फ्रेटर्निटी की हेल्प कर सकता हूँ, और एक दूसरे के साथ नॉलेज बांट सकते हैं, उससे अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका मुझे साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच संदीप फॉर मोटिवेटिंग मी। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप घर बैठे संदीप का वीडियोस देखिए, आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से कि कैसे अपने एनर्जी को मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैशंस पे काम कर सकते हैं,
पैसों के लिए तो हर कोई ही काम करता है, पैसन के लिए कैसे काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना भी कोई अगर आपका पैसन है तो शेयर करें मेरे से। कुछ भी आपको एडवाइस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और मैं चाहूंगा कि आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें डिसलाइक करें, इट डजंट मैटर। अगर लगता है कि ये किसी को मोटिवेट कर सकती है तो आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स।